आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी और आज का हमारा सेशन इसी मुद्दे के ऊपर होने वाला है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। आज हम बात करने वाले हैं, ऑस्कर 2022 अवार्ड मिलने वाले थे। हम ये बात तो बात की बात है, किसी और सेशन में देखेंगे कि ऑस्कर में किस किस को क्या अवार्ड मिला। एक बड़ा ट्रेंडिंग मामला जो है वो सामने आ चुका है। विल स्मिथ साहब ने स्लैप कर दिया है क्रिस रॉक साहब को, जो एंकरिंग कर रहे थे। पहले जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। विल स्मिथ एक एक्टर हैं, हॉलीवुड के एक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं। आपने इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूवी देखी होगी, शक्ल आपको काफी रिकॉग्निजेबल लग रहा होगा। इनकी एक बहुत ही फेमस मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और इस तरीके से बहुत सारी मूवी है। लेकिन जो एक मोटिवेशन मूवी जो हर स्टूडेंट देखना पसंद करता है वो है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो देखना, वो मूवी बहुत अच्छी मूवी है और उससे आपको काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। बहरहाल उसकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं विल स्मिथ साहब ने स्लैप कर दिया है क्रिस रॉक साहब को। क्रिस रॉक साहब कौन है? ही इज एन स्टैंड अप कॉमेडियन। आपने इंडिया में भी काफी सारे अवार्ड शो में देखा होगा कुछ इस तरीके के इंसिडेंट, और उसको चार पांच बार जूम जूम करके कि सलमान खान ने मारा शाहरुख खान को या गाली दे दी, कुछ इस तरीके की चीजें। बट यहाँ पे ये एक्चुअल में हुआ है। हुआ क्या था, पूरा मसला क्या था? क्रिस रॉक साहब ना एंकरिंग करते करते विल स्मिथ साहब और उनकी वाइफ जेड जो है काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, और इन दोनों की शादी जो है ना काफी ट्रबल में रहती है। पब्लिकली चीटिंग के आरोप लगा रखे हैं विल स्मिथ ने जेड के ऊपर, फिर वापस साथ भी रहते हैं, कुछ इस तरीके की इनकी पर्सनल लाइफ है। तो उस पर कुछ इन्होंने कमेंट किया क्रिस रॉक साहब ने, तो ये हंसते हंसते विल स्मिथ साहब वहां पहुंचे और उन्होंने उनको स्लैप कर दिया। फिर आके जब वो बैठे तो उनको गुस्सा भी आया, तो उन्होंने कुछ कुछ अब्यूज भी किया। उस फाइट के बाद आप कह सकते हो क्रिस रॉक जो एंकर थे उन्होंने चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से संभाला, बिना गुस्से में संभाला। एज ए एंकर उन्होंने चीजों का पेशेंस रखा और मैटर को डील करने की कोशिश करी, उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, लोगों के इस पे अपने अपने ओपिनियन आ रहे हैं। एक तबका जो है ना वो विल स्मिथ साहब को सपोर्ट कर रहा है कि आपने वुमेन का स्टैंड लिया है, दूसरा तबका ये कह रहा है कि भैया वो स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो कॉमेडी कर रहा था, एंकरिंग कर रहा था, उसने कुछ किया होगा, आप उसको स्लैप कर रहे हो अवार्ड शो के अंदर, जो कि गलत है। आप लोग भी अपना ओपिनियन इस मुद्दे के ऊपर जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में, किसी और सेशन में पूरा अवार्ड डिस्कस कर लेंगे। 1929 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड जो है वो 270 लोगों के बीच में हुआ था। द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ एकेडमी अवार्ड सेरेमनी वॉज बाय रेडियो इन 1930, और टेलीविजन में पहली बार 1953 में आया था। इन 1939 द एकेडमी ऑफिशियली अडॉप्टेड द नेम ऑफ द ट्रॉफीज एज ऑस्कर, इससे पहले एकेडमी अवार्ड बोलते थे। एमिल जेनिंग्स वॉन द फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश इन द ईयर 2020। Parasite became the first foreign language film to win Best Picture at the award ceremony of 92nd Academy Awards. तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप अपने डाउट मेरे से, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी स्टडी मटेरियल पूछेंगे, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मानवेन 28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, मेरे से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।